हेलो एवरीवन सो टुडे वी विल टॉक अबाउट थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ओके इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम साइंटिस्ट थ्योरीज ओके जैसे कि आज हम सबसे पहली देखेंगे लेमार्किज्म इट मींस द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो कि लेमार्क नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी है वो दी थी ठीक है नाउ अब इस यानी थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अलग अलग साइंटिस्ट ने जो भी अपनी अपनी खुद की थ्योरीज दी थी अपने रिसर्च के बेसिस पे उनके बारे में ठीक है तो ये कुछ थ्री फोर जितनी कुछ थ्योरीज हैं जो कि वी विल डिस्कस इन लेटर नेक्स्ट लेक्चर्स ओके आज हम एक थ्योरी देखेंगे वो है दे और इधर हमने जो ये दूसरा वर्ड लिखा है वो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ड कैरेक्टर्स ना वॉट डीन वट डज इट मीन एक मीन्स ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हम अपने लाइफ के दौरान थ्रू आउट द लाइफ हम गेन करते हैं कुछ ठीक है यानी जो कि जेनेटिक नहीं है जो कि बाय बर्थ बाय बोर्न नहीं है हमें हम चीजें हम लोग थ्रू आउट द लाइफ अपनी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स है वो डेवलप करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स तो ये कुछ थियोरी जो कि लेमार्किज्म लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी वो किसके बेसिस पे है सो इट इज अ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइड कैरेक्टर्स तो ये जो एक्वाइड कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी लिविंग बींग में वो किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं उनके बेसिस पे कुछ उन्होंने बात की है इस थियोरी में सो लेट्स सी ताकि आपको आइडिया आया अच्छे से कि ये किस तरह की थ्योरी है सो so सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं देन विल गो टू द थ्योरी फर्स्ट लॉजिकल थियोरी ऑफ अ अवोल्यूशन वॉज प्रपोज बाय अ फ्रेंच जीन नेचुरस्ट द लेमार्क इन 1744 फोर्टी फोर टू एटीन तो जो लेमार्क हैं उन्होंने सबसे पहले ये लॉजिकल थ्योरी दी थी रिगार्डिंग द इवोल्यूशन कुछ लॉजिक थे उनमें ठीक है भले ही वो थ्योरी है वो कंप्लीटली अप्रूव नहीं की गई है क्योंकि उस दौरान इतने रिसर्च भी नहीं हुए थे जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ बट तो ये थ्योरी उन्होंने दी थी शुरू में ठीक है जिनमें कुछ पॉइंट्स है वो एक्सेप्ट किए गए बाय अदर साइंटिस्ट सम अदर पॉइंट्स जो कि कुछ साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव कर दिए सो विल नेक्स्ट टॉपिक और ये जो बुक थी जिसमें उन्होंने अपने ये जो थॉट्स है अपनी थ्योरी है वो रिप्रेजेंट की थी दैट बुक इज कॉल्ड फिलोसोफी जूलॉजिक सो 1809 में ये बुक में उन्होंने कुछ अपने व्यू से वो दिए थे डिस्क्राइब किए थे ठीक है नाउ लेट्स सी द थियोरी ऑफ लेमार्क सो हियर द टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्किज्म तो कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे कुछ अपने पॉइंट से वो रिप्रेजेंट uh, किए थे लेमार्क ने जो कि है सबसे पहले इंटरनल वाइटल फोर्सेस तो सबसे पहले उन्होंने बात की थी रिगार्डिंग द वाइटल फोर्सेस इंटरनल सो इन विच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इंटरनल वाइटल फोर्सेस ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज ऑफ देर ऑर्गन्स और एंटायर बॉडी तो उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया आफ्टर देर रिसर्च एंड देर स्टडीज कि हमारे यानी ऑल लिविंग बींग्स के बॉडी में कुछ इंटरनल वाइटल फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से थ्रू आउट द इवोल्यूशन थ्रू आउट द लाइफ कुछ ऑर्गन्स हैं एंड और एल्स वी कैन से एंटायर बॉडी या तो फिर कुछ ऑर्गन्स अपनी साइज में कंटिन्यूस इंक्रीज होते रहते हैं ठीक है ऐसा उन्होंने कहा अपने फर्स्ट स्टेटमेंट तो यानी कि जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं फॉर एग्जाम्पल तो जो पहले के यानी शुरू के आदि मानव जो हुआ करते थे उनकी साइज में कंटिन्यूसली इवोल्यूशन के दौरान बढ़नी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए या तो कंप्लीटली होल बॉडी की साइज या तो कुछ ऑर्गन्स की साइज और जो आज हम दिख रहे हैं वो कुछ ज्यादा लंबे या ज्यादा बड़े ऑर्गन्स हमारे होने चाहिए पहले के मुकाबले ऐसा कुछ उनका कहना था अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में ठीक है नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट सेकंड उन्होंने दिया था रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स तो दूसरी उन्होंने बात की थी कुछ एडोप्टेशन जैसे कि हर बार हमें पता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कुछ ना कुछ बॉडी के रिएक्शन में चेंजेस आते हैं कुछ हमारे कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस आते हैं हम एडोप्ट करते हैं तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस आते हैं राइट तो ये क्या है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट है और न्यू नीड्स जैसे कि मान लो अगर समर है तो हमें नीड होती है ठंडी हवा की ठीक है तो उस टाइम पे हमारी नीड क्या रहती है कि कुछ ना कुछ करके हम कुछ ठंडा चीजों को खाए या तो कुछ ठंडी हवा आए ऐसा कुछ हम इंस्ट्रूमेंट है वो बाय करें ठीक है और जब अगर मान लो कोई रेनी सीजन है ठीक है तो हम क्या करेंगे तो उस टाइम पे मॉनसून के टाइम पे यानी हमें अम्ब्रेला की जरूरत पड़ती है रेनकोट की जरूरत पड़ती है यानी हमारे नीड में चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट सेम वे अगर विंटर है देन वुलन क्लोथ्स की जरूरत पड़ती है तो इस हिसाब से जिस तरह से इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उनके बेसिस पे हमारी नीड्स भी चेंज होती रहती है और अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो उसमें तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही बहुत ही ज्यादा ड्राफ्टिंग चेंज हुआ है यानी पहले जो एनवायरमेंट हुआ करता था और आज के टाइम पे जो एनवायरमेंट है उनको कंपेयर कंपेयर करें अगर हम तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं तो उस हिसाब से ओब्वियसली उसमें रहने वाले उसमें जो जिंदा रहे हैं कभी ना कभी पहले और अभी जो है जिंदा एनिमल्स उन सब की नीड्स में भी वेरिएशन आए होंगे चेंजेस आए होंगे राइट right? तो इनके बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ओल्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंजिंग एनवायरमेंट गिव्स राइज टू न्यू नीड्स जैसे कि मैंने कहा कि एनवायरमेंट चेंज होगा तो हमारी नीड्स भी चेंज होगी न्यू नीड्स और डिजायर्स प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर्स एंड चेंज हैबिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और जैसे ही हमारी जरूरियातें जो कि जरूरतें हैं या तो हमारी नीड्स जिसे हम कहते हैं या तो फिर कुछ हमारी विलिंग्स डिजायर तो ये जो भी चीजें हैं हमारी हमारे में चेंजेस आते हैं जो भी ये ये सारे चेंजेस की वजह से क्या होते हैं कुछ नए स्ट्रक्चर्स हैं वो बॉडी के डेवलप होते हैं ठीक है थेके? ये इवोल्यूशन की बात हो रही है ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कुछ नया स्ट्रक्चर या नया ऑर्गन बन गया बॉडी में ठीक है एंड चेंज हैबिटिट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और ऑब्वियसली एनवायरमेंट के हिसाब से हमारी हैबिट्स भी चेंज होती है ठीक है तो एक ये चीज उन्होंने बात की थी अपने कॉन्सेप्ट में थर्ड उनका रिसर्च उनका स्टेटमेंट था यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन तो ऑर्गन्स के यूजेस एंड डिस यूजेस उनके बेसिस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था तो बात करते हैं उसके बारे में सो इफ एन ऑर्गन इज

तो इट वुड बी बेटर डेवलप्ड तो वो अच्छे से डेवलप होते हैं ये उनका कहना था और ऐसे ऑर्गन्स जो कि कंटिन्यूसली यूज में नहीं आ रहे यानी डिसयूज हैं, वो उनका कोई भी यूज नहीं है तो थ्रू आउट दिस जनरेशन तो तब ऐसे ऑर्गन से वो धीरे धीरे करके बाई द टाइम क्या हो जाते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं आज के टाइम पे तो ये एक स्टेटमेंट था उनका रिगार्डिंग द ऑर्गन्स के यूज एंड डिस के बारे में ओके okay? ये सारे उनके स्टेटमेंट है वो आप याद रखना क्योंकि हम इसके बाद फिर उनके हैं वो देखेंगे कि कौन से उनके पॉइंट से वो अप्रूव किए गए बाय अदर साइंटिस्ट एंड कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि क्रिटिसाइज किए गए क्योंकि वो सही अप्रोप्रिएट नहीं थे ओके okay? तो ये कुछ उनके स्टेटमेंट रहे हैं नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट था उनका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अभी जो फोर्थ स्टेप है जिसके वजह से इस थियोरी का भी दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स तो एक्वाइर्ड कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म न्यू कैरेक्टर्स डेवलॉप ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्सेस इफेक्ट ऑफ एनवाट न्यू नीड्स और यूज एंड डिस ऑर्गन तो यह सारी चीजें यानी कि कुछ वाइटल फोर्स की वजह से कुछ एनवाइ की, की वजह से कुछ हमारी नीड्स की वजह से कुछ हमारे यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से क्या होता है न्यू कैरेक्टर्स है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं ये उनका एक कहना था देन ऑल दिस एक इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर फिर उन्होंने क्या क्या कहा चेंजेस आते हैं ये तो ठीक है राइट right? ये हमें भी पता है आज के टाइम पे कि ये तो चेंजेस तो आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इनवामेंट एंड डिफरेंट नीड्स बट दूसरा उनका इसी स्टेटमेंट में ये कहना था कि ऑल दीज एक्वाइड कैरेक्टर्स यानी जो कि हम सीखे हैं बाद में अपनी लाइफ टाइम में आर इनहेरिटेड वो भी इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर By continuous inheritance through several generations, the variations are accumulated up to such extent that they can give rise to a new species. और ये सारे acquired characters हैं जो कि धीरे-धीरे करके next generation में pass on होते रहते हैं। तो उसकी वजह से one after another, तो ultimately आपको कुछ generations इतने नए एक्वाइट कैरेक्टर्स किसी जनरेशन में आ जाते हैं कि वो कम्पलीटली डिफरेंट दिखने लगते हैं यानी कम्पलीटली न्यू स्पेसिस है वो इवॉल्व हो जाती है ये उनका कहना था जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक जनरेशन है ओब्वियसली इतनी बड़ी लाइफ है अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कुछ ना कुछ तो हम सीखते ही हैं जरूर से तो मान लो कोई पांच कैरेक्टर है वो हम में नए आए ठीक है फिर आगे की जनरेशन में वो पास ऑन होते हैं ऐसा उनका कहना था लेमार्क तो ये पांच रेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में गए वो खुद अपने पांच नए करेक्टर सीखेंगे तो फाइव प्लस फाइव यानी कितने नए आ गए तो ये सारे टेन के टेन जो भी कैरेक्टर है वो अभी उनकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे तो ये टेन आगे से आए उनको पेरेंटल साइड से और नए पांच वो खुद सीखेंगे तो यानी पंद्रह हो गए तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आफ्टर फ्यू जनरेशन यानी अराउंड नाइन टेन जनरेशन आप देखने जाओगे तो कुछ बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर है वो नए आ गए तो इसका मतलब इतने ज्यादा जो ओरिजिनली थे उससे ज्यादा तो नए कैरेक्टर्स है उन्होंने डेवलप कर लिए धीरे धीरे करके इवोल्यूशन में तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा जो अपने एंसेस्टर थे उनके उससे कंप्लीटली नई तरह के uh, कैरेक्टर्स है वो उनमें आ जाएंगे यानी ये स्पीसीज है वो कंप्लीटली अलग दिखने लगेगी अलग बिहेव करेगी उनकी सारी पैटर्न है वो अलग हो जाएगी तो इसकी वजह से एक इनहेरिटेड कैरेक्टर की वजह से आफ्टर फ्यू जनरेशन कंप्लीटली न्यू Uh, स्पीसीज है वो फॉर्म होती है ऐसा कहना था लेमार्क ठीक है तो ओबियसली ऐसा होता है इवोल्यूशन में चेंजेस आते हैं और कुछ नई स्पीसीज भी बनती है आफ्टर मेनी म्यूटेशन ऑफ द डीएनए बट इधर उन्होंने एक चीज कही कि एक्वाइड कैरेक्टर इनहेरिटेड है राइट right? तो ये हम क्रिटिसिज्म में डिटेल में डिस्कस uh, करेंगे उसके बारे में कि एक्वाइड कैरेक्टर जो कि हम सीखे हैं लाइफ में दैट इज नॉट चेंज इन द डीएनए राइट दैट इज चेंज इन अवर हैबिट सो दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड तो ये हमें अभी पता है राइट right? पर ये उस टाइम पे जेनेटिक थ्योरी भी उतनी डेवलप नहीं थी उतनी साउंड नहीं थी तो इसलिए उन उस वक्त इन सब को इतना साइंटिस्ट को इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि कैरेक्टर कौन से पास ऑन होते हैं और कौन से पास ऑन नहीं होते हैं ठीक है ठीके? तो ये उनकी थ्योरी लेमार्क की थ्योरी है जिनमें उन्होंने ये कुछ स्टेटमेंट्स अपने दिए हैं राइट ओके, okay. सो so, अब हम देखते हैं जिनकी वजह से जिनके थ्रू जिसको स्टडी करके लेमार्क ने ये कुछ अपने स्टेटमेंट्स दिए थे अपनी थियोरी में ठीक है तो पहले वो एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं जो कि मेनली थ्री एग्जाम्पल हैं इधर आपको सिलेबस में कवर किए हुए जिसमें से पहला है लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्स ऑफ जिराफ यानी एक तो उन्होंने स्टडी की जीराफ की लॉन्ग नेक जो होती है यानी आज के टाइम में हम देखते हैं और लॉन्ग फोर लिंग्स उनके ठीक है यानी जो पैर होते हैं उनके वो लंबे होते हैं और उनकी नेक है वो बहुत ही लंबी होती है तो उनके बारे में कुछ स्टडी किया है सो लेमार्क गिव द एग्जाम्पल ऑफ जीराफ्स वू इन एन अटेम्प्ट टू एच लिव्स ऑन अ टोल ट्रीज हैड टू एडप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ द नेक्स यानी उनके हिसाब से क्या हुआ जैसे कि पहले के जीराफ थे वो इतनी लंबी नेक वाले नहीं हुआ करते थे फिर क्या हुआ कि जो लंबे लंबे पेड़ थे उनमें से उनको लीव्स खाने के लिए थोड़ा अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ता था जैसे कि अगर कुछ हमसे नहीं पहुंचा जा रहा है कहीं भी तो हम जैसे अपने बॉडी को स्ट्रेच करते अपने हैंड्स को लेग्स को स्ट्रेच करते हैं राइट जस्ट टू पिक इट अप सेम वे जीराफ को भी ये लंबे पेड़ पे से जो लीव्स खाने के लिए उनको भी अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ रहा था तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अपनी फूड के सर्च में जिराफ को अपनी शॉर्ट नेक थी उसको बार बार स्ट्रेच करना पड़ता था एंड धीरे धीरे करके क्या हो गया उनमें ये कैरेक्टर है वो एडप्ट हो गया यानी उनकी नेक है वो लंबी होने लगी सो so, जैसे कि एक जनरेशन में मान लो थोड़ी सी लंबी हुई नेक्स्ट जनरेशन में फिर वो ये एक वाइट कैरेक्टर हो गया लंबा होना फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गया जैसे कि लेमार्क का कहना था कि एक्वाइड कैरेक्टर भी इनहेरिटेड होते हैं तो यानी कि इस जनरेशन में किसी की नेक है वो थोड़ी लंबी हो गई खींच खींच के फिर वो पास ऑन हुई नेक्स्ट जनरेशन में अभी सेम उनकी जनरेशन में और थोड़ी लंबी नेक हुई तो ऐसे करके धीरे धीरे करके नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर्स लंबी नेक के पास ऑन होते होते एक टाइम ऐसा आया जो कि इतनी लंबी नेक है वो हो गई जीराफ की जो कि हम आज के टाइम में देखते हैं ये ऑब्जर्वेशन था डेमार्क का ठीक है As they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generations, giraffes slowly over the years came to acquire long necks. और ये उनका कहना है कि ऐसे करके धीरे धीरे करके ये थोड़ी थोड़ी लंबी होती रही नेक और ये कैरेक्टर है वो पास ऑन होता ये क्वाइड कैरेक्टर है वो पास ऑन होता रहा जनरेशन टू जनरेशन एंड अल्टीमेटली इतनी लंबी नेक है वो जिराफ में देखने को मिलती है क्लियर तो ये पहला एग्जाम्पल है पहले उसकी इमेज है हम एक देख लेते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे ओके सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप ये एक इमेज uh, देख रहे हो ये है लेमार्क के एक्सपेरिमेंट की सो हियर द लाइन इज डायग्राम शोइंग इलोगेशन ऑफ नेक इन जिराफ अकॉर्डिंग टू लेमार्क तो उनके हिसाब से पहले की जीराफ है वो कुछ इस रासे थे, ठीक है यानी शिप जैसे होते हैं उतनी साइज के कभी हुआ करते थे जीराफ और उनकी नेक, specially. फिर क्या हुआ ऐसे लंबे पेड़ों पे उनको लीव्स को पकड़ने के लिए अपनी नेक को अपनी गर्दन को लंबा करना पड़ा खींचना पड़ा बार बार स्ट्रेच करना पड़ता था तो उसकी वजह से धीरे धीरे करके नेक में चेंजेस आए और अल्टीमेटली इतनी लंबी नेक है वो पाई गई जीराफ में ताकि वो लंबे से लंबे पेड़ तक पहुंच पाए ठीक है तो ये एक्सपेरिमेंट था लेमार का जिन्होंने ये एग्जाम्पल दिया और अपने स्टेटमेंट को ट्रू पुरवार करने के लिए उन्होंने ये एग्जांपल्स दी ओके क्योंकि उन्होंने कहा था अपने स्टेटमेंट में कि किड कैरेक्टर है वो इनहेरिट होते हैं तो उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया ये जिराफ का ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं सेकंड एग्जांपल है एक्वेटिक बर्ड्स स्ट्रेच्ड देयर टोज एंड डेवलप्ड वेब तो दूसरा उन्होंने बात की रिगार्डिंग द एक्वेटिक बर्ड्स तो ऐसे बर्ड्स जो कि अपना मोस्ट ऑफ द टाइम है वो पानी में निकालते हैं और वहाँ वहीं पे फिश वगैरह को खाते हैं ठीक है तो अभी उनको पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं ज्यादातर अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं पैरों से झपट कर वो मछलियों को पकड़ लेते हैं ठीक है बर्ड्स तो अगर मान लो टोस के बीच में स्पेस है तो वो फिश है वो बीच में से निकल सकती है उनको अगर स्पेस मिलेगी वहां से निकलने की ठीक है बट ये स्केप नहीं कर पाए फिश इसकी वजह से धीरे धीरे करके बर्ड्स में ये क्या डेवलप हुआ स्ट्रेच दे टोस एंड दे डेवलप दे द दे वेब यानी स्किन फोल्ड्स से वो पैरों में टोस के बीच में बढ़ते गए एक वेब जैसा बनाने के लिए ताकि एक बार अगर वो फिश को पकड़े तो फिर वहां कहीं से भी वो एस्केप नहीं कर पाए क्योंकि उनको स्पेस ही ना मिले तो ऐसा वेब लाइक -like स्ट्रक्चर बन गया उनके टोस में तो ये भी एक एक्वाइर्ड कैरेक्टर था जो कि पास ऑन हुआ नेक्स्ट जनरेशन में ये लेमार्क का कहना है और थर्ड एग्जाम्पल है स्नेक्स लॉस्ट देअर लेग्स दूसरी चीज जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में उन्होंने ऑर्गन के यूज एंड डिसयूज के बारे में बात की थी तो उनका एक एग्जाम्पल एक उन्होंने दिया स्नेक्स का कि स्नेक्स में शुरू में यानी रेप्टाइल्स में पैर हुआ करते थे बट उनमें ये पैरों का कोई इतना इस्तेमाल था नहीं तो धीरे धीरे करके ये जो ऑर्गन्स थे जो कि कभी भी यूज नहीं होते थे वो क्या हो गए डिसअपियर हो गए डिजनरेट हो गए जैसे कि स्नेक में हुआ कि लेग्स उनमें कोई भी काम के नहीं थे तो वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए और अभी जो हम स्नेक देखते हैं वो कैसे बिना पैरों वाले ही होते बिना लेग्स के ही होते राइट तो ये था थर्ड था एग्जैम्पल लेमार्क हैड सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकड बट ड्रीवन बाई यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स बट नो बडी बिलीव दिस एंड कंज एनी मोर सो क्या हुआ कि लेमार्क ने यह कहा कि इवोल्यूशन में डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन होता है बट वो डिपेंड करता है यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स पे कि किस तरह से डेवलप होना है उनका बॉडी और उनका बॉडी स्ट्रक्चर बट किसी ने भी किसी भी साइंटिस्ट ने उनकी इस थियरी को इस स्टेटमेंट को अप्रूव नहीं किया बिलीव नहीं किया ठीक है तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिसर्च जो की है क्रिटिसिज्म तो कोई भी अगर रिसर्चर है वो अपना स्टेटमेंट देते हैं और अपना कुछ रिसर्च है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो भी उनको लगाया जो भी उन्होंने अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू पुरवार किया ठीक है वो बट हर बार ऐसा होता है कि कोई अप्रूव करता है कोई अप्रूव नहीं करता है तो सबके अपने अपने रीजंस होते हैं अपने अपने उनके पास प्रूफ्स होते हैं आपको रॉन्ग प्रूव करने के लिए सेम वही हुआ लेमार्क की कुछ चीजें थी कुछ बातें थी कुछ स्टेटमेंट्स थे जो कि अग्री किए कुछ साइंटिस्ट ने कि हाँ ऐसा होता है बट कुछ ऐसी चीजें भी उनकी थी जो कि कंप्लीटली डिसग्री हुए सबके सब साइंटिस्ट सब हैं वो क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो कहीं भी मैच नहीं कर रहा था या तो फिर वो हाफ मैच कर रहा था बट ऑलवेज रिसर्च में कैसा होता है कि अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो कंप्लीटली राइट right होना चाहिए जैसे कि हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल फीवर के लिए तो फीवर में काम आनी चाहिए ऐसा नहीं कि दो लोगों को काम आती है दो लोगों को काम नहीं आती है ठीक है फिर भी उसमें तो चलो एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह बहुत सारे डिशन पे डिपेंड करता है कि किसमें ये ज्यादा इफेक्टिव है किस में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है बट अल्टीमेटली वॉट वी आर सेम कि ये जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं बाई सम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं थ्रू सम एग्जाम्पल्स तो ये हर एक एग्जाम्पल पे ये राइट right प्रूव होना चाहिए ऐसा नहीं कि दो एग्जाम्पल को लेके चल के उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें थी जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि कुछ चीजों पे राइट है कुछ चीजों पे रॉन्ग है तो यानी अल्टीमेटली उनकी थ्योरी भी वो डिसअप्रूव की गई ठीक है सो लेट्स सी क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्क पहला है वाइसमैन थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जम प्लाज्म तो वाइसमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी किस पे जम प्लाज्म की कंटिन्यूटी पे ठीक है अब बिफोर स्टार्टिंग दिस एक चीज है हम पहले डिस्कस करते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया था लेमार्क ने कि जो ऑर्गन्स हैं वो अगर उनका यूज हो तो वो ज्यादा अच्छे से डेवलप होते हैं और ऐसे ऑर्गन्स जिसका यूज ना हो तो वो कंप्लीटली डीजनरेट हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं वीकेंड से राइट तो ये बात सचपूर्वाह होती है कहां पे मसल्स में तो जितने ही मसल्स को हम यूज करेंगे स्ट्रेच करेंगे उतने ही वो स्ट्रांग होते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक्सरसाइज करके बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपनी बॉडी बिल्ड करते हैं मसल्स से वो डेवलप होते हैं राइट यू कैन बिकम स्ट्रोंग एंड टफ तो ये मसल्स की केस में राइट है कि जितना उसको यूज करोगे उतने वो ज्यादा अच्छे से डेवलप होंगे ओके okay, तो ये मसल्स पे ये बात सही बैठती है दूसरी चीज अब उन्होंने ये कही थी कि ऐसे ऑर्गन्स जिसका अगर यूज ना हो तो वो थोड़े टाइम के बाद डिजेनरेट हो जाते हैं और जिसका यूज है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप करते हैं। तो ये मसल्स डेवलप करते हैं ठीक है इस पे ये स्टेटमेंट राइट है बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ के दौरान बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं राइट तो उनकी तो आंखें कभी नहीं बड़ी होती है ना ही उनकी आईसाइट है वो ज्यादा तेज होती है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है वरना उन्होंने तो यही कहा ना कि ऑर्गन है जो ज्यादा यूज होते हैं उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है तो आई के, के केस में तो ये नहीं हुआ कि किसी की आई है वो बड़ी हो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा रीडिंग करते थे या तो उनके पूर्वज है वो ज्यादा रीडिंग करते थे या फिर आई साइट भी अच्छी नहीं हुई कि बहुत ज्यादा यूज करने से आई साइट अच्छी होगी बट मसल्स के, के केस में होता है आप एक्सरसाइज करो छह महीने अच्छे से रेगुलरली राइट तो मसल से वो स्ट्रांग होंगे अब भी टफ होंगे बाइसेप्स बनेंगे एप्स बनेंगे तो ये मसल्स के केस में चलो ठीक है जितना वो उसको यूज करो आप उतना वो अच्छे से डेवलप होते हैं बट अगर आई साइड की बात करें तो सेम वे हार्ट की बात करें अगर हम तो हार्ट तो 24 फोर आवर्स चालू रहता है उनमें तो कभी स्टॉप नहीं होता है ना चाहे हम सो भी जाए तो आंखें बंद करते बट हार्ट तो चालू ही रहता है अपना काम करने के लिए तो उनकी तो साइज कभी नहीं बढ़ जाती है या तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जनरेशन टू तो जनरेशन थोड़ा थोड़ा हार्ट बढ़ता गया और अल्टीमेटली ऐसा कोई समय आया होगी हमारी हाफ बॉडी है वो हार्ट से ही कवर है है ना तो हार्ट की साइज तो जो इवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे जो थी उतनी ही आज के टाइम में भी है थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं हुआ है तो फिर ये स्टेटमेंट जो लेमार्क ने दिया था कि यूज जो करो ऑर्गन का वो ज्यादा डेवलप होते हैं ये हर बात पे हर चीज पे हर ऑर्गन पे लागू नहीं होते हैं सेम वे दूसरी चीज कही थी कि ऐसे ऑर्गन्स या ऐसी चीजें बॉडी में जिसका यूज ना हो तो वो वेस्टिजियल बन जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तो जैसे कि हेयर है बॉडी पे उनका कौन यूज करता है है ना तो फिर भी वो तो वेस्टिजियल नहीं बन गए और कुछ जैसे कि हम बात करें टेल इन ह्यूमन राइट तो वो अभी अपेंडिक्स जिसको हम बोलते हैं तो उनका यूज नहीं था तो वो वेस्टिजियल बन गए डिजनरेट हो गए बट सेम में जैसे कि मैंने कहा कि हेयर है तो कोई बॉडी में उसका कुछ यूज नहीं है फिर भी वो है तो वो क्यों डीजेरेट नहीं हुए बाय द टाइम बाय द इवोल्यूशन पहले ठीक है हुआ करते थे क्योंकि वो एप्स वगैरह हैं तो वो खुले में रहते एनिमल्स कभी कपड़े नहीं पहनते तो उनको ठंड ना लगे उनको ज्यादा बॉडी पे स्किन पे प्रोटेक्शन मिले इसलिए हेयर होते हैं बट आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जबकि वो क्लॉथ पहनने लगे उस टाइम पे बाद किसी भी ह्यूमन में हेयर की नीड नहीं है बॉडी पे तो फिर वो क्यों नहीं चले गए बॉडी से तो उनके ये जो स्टेटमेंट थे वो हर एक चीजों पर सही नहीं पुरवार होते हैं राइट तो ये एक उनका फॉल्ट था दूसरी चीज जो कि कौन से अभी उन्होंने कहा था कि एक्वाइड कैरेक्टर है वो इनहेरिट होते हैं तो मान लो कोई अपनी लाइफ के दौरान बहुत सारी चीजें हैं वो गेन करते हैं जैसे कि बहुत ही स्मार्ट है बहुत ही इंटेलिजेंट है या तो फिर कोई भी फील्ड में आ, बहुत ही फेमस है जैसे कि क्रिकेटर ले ले हम एग्जाम्पल तो कोई बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है सो इज इट नेसेसरी कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी क्रिकेट में ही आ, कुशल होगी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी फिर उनके बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन में आगे के दोनों के कैरेक्टर आएंगे तो वो टॉप मोस्ट होगी ये तो होता नहीं है कभी तो इसका मतलब इक्वाइड कैरेक्टर पास ऑन नहीं होते हैं बट कुछ पास ऑन होते भी हैं तो कौन से कैरेक्टर पास ऑन होते हैं और कौन से नहीं होते हैं उनकी थियोरी दी थी वाइसमैन ने किताब लेमार्क को इतना पता नहीं था कि एक्वाइड कैरेक्टर उन्होंने जो एग्जाम्पल्स देखे उसमें कैरेक्टर्स पास ऑन होते थे तो इसलिए उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया बट हर एक कैरेक्टर पास ऑन नहीं होता है, जैसे कि अभी हमने बात की राइट कि कोई इंटेलिजेंट है कोई एक चीज में तो उनकी जनरेशन उसी चीज में इंटेलिजेंट नहीं होती है तो वरना तो होनी चाहिए अगर एक्वाइड कैरेक्टर इनहेरिटेड है तो बट ऐसा नहीं होता है सो वाइस मैन की थियोरी है वाइस कट ऑफ द टेल्स ऑफ रेड्स फॉर एज मेनी एज ट्वेंटी टू जनरेशन एंड अलाउड टू ब्रीड बट टेल लेस और रिड्यूस टेल रेट्स वेर नेवर बोर्न तो उन्होंने क्या किया वाइसमैन ने कुछ रेट्स लिए और उनकी टेल काट ली ठीक है फिर ऐसे दोनों कटे हुए टेल वाले दो रेट को लेकर ब्रीड करवाया और उनकी इस तरह से ट्वेंटी टू जनरेशन तक उन्होंने स्टडी की बट एक भी जनरेशन यानी जिनके पेरेंट दोनों बिना टेल के हो ऐसे कोई भी रेट जो नए आए वो सारे के सारे नॉर्मल टेल वाले ही आए ना ही कोई ऐसा रेट आया कि जिसमें टेल ना हो और ना ही कोई ऐसा रेट आया कि जिसमें रिड्यूस टेल हो यानी छोटी सी टेल हो नॉर्मल से सारे के सारे जनरेशन में पेरेंटल पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन लिया वो बिना टेल वाला ही लिया उन्होंने बट फिर भी उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आई यानी उनके बच्चे हुए वो सारे नॉर्मल टेल वाले ही हुए इसका मतलब लेक वाइसमैन ने ये प्रूव किया कि एक्वाइड कैरेक्टर है वो इनहेरिटेड नहीं है यानी टेल का कट जाना वो एक्वाइड कैरेक्टर है ठीक है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होता है उनमें तो टेल आएगी ही आएगी हमारे में भी सेम चीज अगर किसी का हाथ या पैर कट जाता है तो उनके बच्चे क्या बिना हाथ और पैर वाले आते हैं क्या नहीं ना वो तो जेनेटिक है जीन्स में कोई तकलीफ नहीं हुई ये तो बाय द टाइम हमने ये कैरेक्टर एकवाइड किया कुछ अच्छे करते हैं कुछ हम बुरे करते हैं बट जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे सेम बे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाइसमैन प्रोपोज द थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जम प्लाजम सो अकोडिंग टू दिस थियोरी टू टाइप ऑफ प्रोटोप्लाजमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म एक होता है जम प्लाजम और दूसरा होता है सोमेटोप्लाज्म यानी दो सेल जम सेल्स एंड सोमेटिक सेल्स होते हैं ना हमारे बॉडी में जम सेल्स मतलब इन फीमेल ओवेरिज यानी एक्स जो कि बनते हैं ओवेरिज में से और इन मेल स्पॉम्सल तो एक्स सेल एंड स्पॉम सेल क्या है जर्म सेल्स से. है अगर इनमें कुछ डिफेक्ट आता है इन सेल में तो ही नेक्स्ट जनरेशन में कुछ डिफेक्ट आएगी क्यों क्योंकि इन दोनों से ही फर्स्ट सेल बनता है यानी फर्स्ट जाइगोट बनता है जिसमें से पूरा फीटस है पूरा बेबी है उनका बॉडी बनेगा तो अगर इन जर्म सेल में कुछ डिफेक्ट आती है तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है अगर सोमेटिक सेल में कुछ चेंजेस आते हैं पेरेंटल केस में तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर नहीं पास ऑन होते हैं नहीं इनहेरिट होते जैसे कि हाथ का कट जाना तो ये सोमेटिक सेल है बॉडी के कोई भी बाकी के सेल है उनको क्या बोलते हैं सोमेटिक सेल बोलते हैं तो ये सोमेटिक सेल में कोई भी चेंजेस हो वो पास ऑन नहीं होते क्योंकि पास ऑन तो कैसे होंगे नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए दो ही सेल यूज होते हैं एक होता है एक सेल दूसरा होता है इस सेल तो इनमें कुछ डिफेक्ट है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में डिफेक्ट जाएगी सोमेटिक सेल में डिफेक्ट है तो वो तो यूज ही नहीं होती है नई जनरेशन को बनाने में ये सेल्स तो उनमें डिफेक्ट भले ही हो नेक्स्ट जनरेशन में कभी भी पास ऑन तो नहीं होगी राइट सो देर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाजम एंड द वेरिएशन इंफ्लुएंसिंग द जर्म सेल्स आर ओनली इनहेरिटेड यानी जर्म सेल्स में कुछ भी इंफ्लुएंस हुआ है कुछ भी चेंज हुआ है तो ही वो इनहेरिटेड होगा बट द सोमेटो प्लाज्म नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन हेन्स इट डज नॉट केरी वेरिएशन टू द नेक्स्ट जनरेशन सो अगर ये सोमेटिक सेल में कुछ चन्ज, कोई चेंजेस आए हैं उनमें कुछ डिफेक्ट हुई है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में कभी भी इनहेरिट नहीं होगी तो यहाँ पे ये जो लेमार्क की डिफेक्ट थी वो क्लियर हुई कि उन्होंने क्यों कुछ एग्जाम्पल्स दिए वो सही है फिर कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनमें उनके स्टेटमेंट सही नहीं बैठते हैं क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स है वो पास ऑन होते कुछ पास ऑन नहीं होते तो हर एकट कैरेक्टर पास ऑन नहीं होगा बट ऐसा एक वाइट कैरेक्टर जो कि चेंज हुआ है में, तो वो जरूर पास ऑन होगा नेक्स्ट जनरेशन राइट ओके दूसरा क्रिटिसिज्म में ही एक एग्जाम्पल है बोरिंग ऑफ इयर पीना एंड नोज इन इंडियन वूमन इज नेवर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन तो एक इंडियन वूमन में ये ट्रेडिशंस होते हैं है ना जैसे कि पिना यानी ईयर में बोरिंग करना यानी जो इयर पहनने के लिए हम जो होल कराते हैं जिसको बोरिंग बोलते हैं ईयर के पीना में सेम वे नोज में भी सो नोज रिंग के लिए सेम वे ये कराते हैं सो ये सारी चीजें उनकी नेक्स्ट जनरेशन में तो नहीं होती उनके तो है उनके तो कंटिन्यू ही पीना होते हैं उनके तो नोज में भी कहीं भी ऐसे नहीं होता है कंटिन्यू ही स्किन फोल्ड होते हैं तो ये भी इनहेरिटेड नहीं है कैरेक्टर सेम वे द लास्ट एग्जाम्पल चाइनीज वुमन यूज टू वियर आयन सूज इन ऑर्डर टू हैव स्म फिट बट दे स्टिल होना बड़े फीट का होना वो अशुभ माना जाता है कुछ तो वो क्या करते आयन के शूज पहनते हैं छोटे से ही जबकि छोटी हो लड़कियां सब तभी से उनको ये आयन के शूज पहनाते क्यों ताकि उनके पैरों की जो लेंथ है वो बढ़े नहीं बट उनका तो चलो ग्रोथ है वो रुक जाता है वहीं वही पे पर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी उनमें तो नॉर्मली आएंगे तो ऐसा क्यों है क्योंकि ये तो एक वाइड कैरेक्टर है और ये इनहेरिटेड नहीं है तो ये पास ऑन भी नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में यानी वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले नेक्स्ट जनरेशन में तो नॉर्मल फिट ही आएंगे क्लियर तो ये सारे क्रिटिसिज्म है यानी सारे आ, लूप होल्स है लेमार्क की थियोरी के जिसकी वजह से वो कंप्लीटली अप्रूव नहीं की गई उनकी थियोरी और उनके बाद बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने व्यूज से वो एक्सप्रेस किए जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में सिर्फ लेमार्क की थियरी तक ही हम रखेंगे ठीक है so, सो आज हमने स्टडी की लेमार्क के स्टेटमेंट्स, उनके एग्जाम्पल्स एंड लास्टली क्रिटिसिजम ऑफ लेमार्क ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे लेक्चर थैंक यू